2019th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो शो का नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ. रियली वांट टू थैंक पारिक ब्रदर ज्वेलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विद पहनावा बुटीक. अ बिग थैंक यू टू स्टाइलक्स किचन्स एंड वार्डरोब्स यूडीएस नागपुर का हॉस्पिटल बोले तो ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल वी हर्ब्स एंड ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू अंजनी एक्जोटिका मेहान. मेरी आज की मेहमान इज अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ओरी फ्लेम. शी हैज बीन यू नो अ ग्रेट प्रोफेशनल. कोशिश करती हैं लोगों को लोगों से जोड़ने की और साथ ही साथ अपने परिवार के साथ साथ अपने पैशन के साथ साथ अपने प्रोफेशन को भी आसमान तक पहुंचाने की. प्लीज स्वागत करें मेरी आज की विमेन ऑफ द ईयर मिसेज जमीला लकड़शाह. मैम हाय, कैसी हैं आप? हेलो, यस आई एम गुड, हाउ आर यू डूइंग? आई एम परफेक्टली फाइन. मैम मैंने आपको दुनिया की सबसे मीठी लेमन टी पिलाई फिर भी आप मैम मुस्कुरा नहीं रही हैं. वो ज्यादा हैवी हो गई क्या? नहीं, बट इट वाज गुड. इट वाज गुड, ओके. पर आपने इससे मीठी लेमन टी नहीं पी होगी? कभी भी नहीं पी. आज कुछ अलग है. मध्य प्रदेश की एक छोटी सी जगह, क्या नाम? कोतमा में आपका जन्म हुआ. मैम क्या रही है जर्नी तब से लेके अब तक जमीला जी की? सो इफ आई टेल यू अबाउट माई बॉर्न एंड ब्रॉटअप, कोतमा एक बहुत छोटी जगह है, वेरी स्मॉल टाउन. एंड वहाँ पे स्मॉल टाउन को आप समझेंगे कि बहुत छोटी जगह है, वहाँ पे लोग उतने आउटगोइंग नहीं रहे हैं. एंड एक डिफरेंट कल्चर रहा है वहाँ पर. और वहाँ पे स्कूलिंग भी छोटी जगह पे छोटी स्कूल में हुआ. एंड देन आई वेंट टू इंदौर फॉर माय ग्रेजुएशन. एंड देन आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे शादी छोटी जगह पे नहीं करनी है. आई वाज वेरी क्लियर अबाउट इट बिकॉज आई हैव सीन हाउ पीपल स्ट्रगल इन अ स्मॉल सिटी. राइट, तो शादी बड़ी जगह में करनी है. एंड इवेंचुअली नागपुर में मेरा रिश्ता हुआ एंड आई एम हियर फॉर लास्ट 10 इयर्स. एंड दो बेटे हैं मेरे, वन इज 8 ईयर एंड वन इज 5 ईयर. एंड व्हेन आई गॉट मैरिड, अच्छा छोटी जगह में आपने देखा होगा मोस्टली वुमेन्स आर होम मेकर्स जी. और हमारे यहाँ भी एग्जैक्टली वही माहौल रहा है. हमने हमारी मम्मीज को हमें बड़ा पूरा टाइम इन्वॉल्व होते देखा है घर में और हमारे में. एंड When I travel to Nagpur, I have seen a major change. कि यहाँ पर everybody is working. जी. Women are working and at the same time they are taking care of their kids, their home very well. And then I decided to join Oriflame. And Oriflame just ऐसे ही by fluke नहीं आ गया था मेरी life में. It was by choice. बोलते हैं ना, जो बुरे वक्त में आपका साथ दे आपको वो हमेशा याद रहता है. बिल्कुल. बस 2009 में जब मैं कॉलेज में थी जी, एंड एक सर्टेन एज आती है हमारे गर्ल्स की लाइफ में कि हमको हमारी ब्यूटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है जी. एंड दैट टाइम मेरी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो रही थी. एंड आई हैव बीन टू सो मेनी शॉप्स, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स ट्राई किए. एंड देन इवेंचुअली आई वॉज बींग इंट्रोड्यूस टू द ओरिफ्लेम प्रोडक्ट्स. And I bought few products. And what happened? It's kind of funny incident. कि जो मुझे products suit हुए लिए मैंने, it did not suit me. Normally shops में तो हम जाके कभी shopkeeper को नहीं बोलेंगे कि ये product आपका suit नहीं है, I want to return it. जी. But because I bought from somebody, मैंने उनको बोला कि आपके products आपने मुझे जो दिए, it did not suit me. That lady immediately took that products from me and उसने बोला कि आप पूरा कैटलॉग देखिए एंड आपके हिसाब से जो आपको बेटर लग रहा है आप रीड कर सकते हैं पूरा डिटेल्स, आपको मैं हेल्प कर सकती हूँ एंड यू कैन चूज अनदर प्रोडक्ट्स. एंड आई वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड कि ये कैसे, क्यों उन्होंने ले लिया और मुझे दूसरे प्रोडक्ट दे दिए. सबसे पहला मैं कन्विंस हो गई थी ओरिफ्लेम से एट दैट टाइम. एंड देन उन्होंने मुझे जो प्रोडक्ट दिए दैट वॉज ब्लूबेरी का कुछ रेंज था एंड इट सूटेड मी लाइक एनीथिंग ऑन माई स्किन. एंड मेरी स्किन देख के, आई वॉज इन हॉस्टल दैट टाइम, मेरी स्किन देख के मेरे प्रोडक्ट्स देख के एवरीबडी वॉज स्टार्टेड लाइकिंग ओरिफ्लेम प्रोडक्ट्स. एंड देन एज यू सेड इट इज MLM मार्केटिंग, तो उसमें प्योर MLM प्योर मल्टी लेवल मार्केटिंग, तो मेरे प्रोडक्ट्स क्योंकि सबको पसंद आने लग गए एंड इवेंचुअली एवरीबडी स्टार्टेड ऑर्डरिंग मी के किससे लेके आती है, हमारे को भी सब ला दे. एंड दैट टाइम ओरिफ्लेम केम इन टू माई लाइफ.
एंड धीरे धीरे इट स्टार्टेड एंड देन इसी तरीके से 2-3-4 साल निकले एंड मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई. आई वेंट टू रायपुर एंड 2 साल मैंने वहां पे जॉब किया कंस्ट्रक्शन कंपनी में. एंड आफ्टर दैट आई गॉट मैरिड इन 2014. फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा इंटरेस्ट, सी इंटरेस्ट तो ऐसा है कि कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी बदल सकता है. सच बात है. एंड देन व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशन, ऐसा काम आपको करना है जो आपको, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो. जी. एंड बाय दैट टाइम ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो चुका था. स्किन केयर प्रोडक्ट्स में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुका था. एंड आई थॉट व्हाई नॉट ट्राई ओरिफ्लेम बिकॉज आई लव द प्रोडक्ट्स. आई यूज टू रिकमेंड दैट प्रोडक्ट्स. पीपल यूज टू बाय फ्रॉम मी. तो व्हाई नॉट टेक इट एज अ प्रोफेशन. एंड दैट टाइम आई अंडरस्टूड द होल थिंग एंड उसका सक्सेस प्लान कैसा है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं. एंड देन द ओरिफ्लेम जर्नी स्टार्टेड. मैम, जब इस किस्म के काम में हम आते हैं MLM, इसे बहुत अग्रेशन के साथ आपको बेचना पड़ता है. MLM आपसे आपका बहुत सारा टाइम, बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारे रिश्ते भी एक्सपेक्ट करता है कि वो कन्वर्ट हो जाए एज कस्टमर्स. व्हाट्स योर थॉट? एग्जैक्टली, आपने ये बिल्कुल सही बात की कि जो MLM का बिजनेस है जी, इट डजंट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स, इट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप. जी. एंड दैट इज द होल पॉइंट वेयर माय इंटरेस्ट हैज बिगन. क्योंकि इवेंचुअली जब मैंने धीरे धीरे ओरिफ्लेम बताया लोगों को एंड देन एवरीबडी स्टार्टेड लाइकिंग इट एंड फ्यू ऑफ देम वॉन्टेड टू ज्वाइन मी एज एन ओरिफ्लेम ब्रांड पार्टनर्स. एंड बाय द टाइम इट स्टार्टेड लाइक द वीमेन्स इन माई नेटवर्क स्टार्टेड टू रिस्पेक्ट मी फॉर इंट्रोड्यूसिंग देम टू ओरिफ्लेम बिकॉज दे हैड समथिंग. क्योंकि MLM इट इज अ जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस. यू कैन स्टार्ट विद जीरो इन्वेस्टमेंट एंड नो कॉस्ट, नो सेटअप कॉस्ट. एंड वीमेन्स नाउअडेज cannot invest 10 lakh, 5 lakh, 50 lakh rupees. बिल्कुल. But they want to be an entrepreneur. जी. That's where मेरा interest और ज्यादा बढ़ने लगा जब मेरे network के जो लोग थे जी, they started looking up to me. They want to achieve something and they was calling me and asking me के हमको भी ये कुछ अचीव करना है, ये success plan में ये कैसे अचीव होगा, या मुझे by the time कुछ award मिला जी, या मुझे बाय द टाइम कोई रिकॉग्निशन मिला, आई अचीव सर्टेन लेवल इन ओरिफ्लेम सक्सेस प्लान जी. बट तो एवरीबडी स्टार्टेड कॉलिंग मी के मैम आपके जैसा हमें करना है जी, ये कैसे होगा. तो दैट टाइम आई रियलाइज्ड दैट दिस इज समथिंग आई कैन, दिस इज समथिंग जो मैं बहुत सारे वीमेन्स तक पहुंचा सकती हूँ. एंड सो मेनी वीमेन्स लाइक मी नीड समथिंग टू डू. तो इसी तरीके से यही सिर्फ अप्रोच के साथ धीरे धीरे ये बिजनेस बढ़ता रहा. एंड द रियल बिजनेस स्टार्टेड व्हेन लॉकडाउन हैपेंड. क्योंकि बिफोर लॉकडाउन वी हैड नो आइडिया कि घर से काम कैसे कर सकते हैं. एंड यू नो हु आर होम मेकर्स, उनको आप बोलो कि घर से 2 घंटे के लिए मिलने के लिए बाहर आना है, दे डोंट हैव टाइम. उनको नहीं टाइम निकल पाता, वो निकाल ही नहीं पाते टाइम. एंड फॉर समथिंग के कुछ बिजनेस की बात करने वाले तो बिल्कुल नहीं. And when lockdown happened, I could connect with so many people around all over India. जी. क्योंकि जब कोई बोलता ही नहीं था कि मुझे प्रोडक्ट ट्राई करने फिर लूंगी, दे जस्ट वॉन्टेड टू सी द कैटलॉग एंड जूम मीटिंग्स के थ्रू उनको प्रोडक्ट दिख गए एंड दे वॉन्टेड टू बाय इट. जी. एंड देन थ्रू जूम मीटिंग्स आई कुड कनेक्ट विद सो मेनी पीपल एंड आई कैन एक्चुअली टेल देम कि ये प्रोडक्ट्स के क्या फायदे हैं, ये बिजनेस के क्या फायदे हैं. आई थिंक जो दिल्ली में एक पर्सन बैठी है जो शायद मुझसे 2 प्रोडक्ट्स खरीदती भी होंगे पहले, बट शी कुड नॉट अटेंड एनी बिजनेस मीटिंग. तो जूम मीटिंग के थ्रू मैं वो सारे लोगों तक कनेक्ट हो गई. एंड यू वोंट बिलीव, जब लॉकडाउन हुआ मेरे नेटवर्क में आई थिंक 100 लोग होंगे. एंड जब लॉकडाउन के बाद जब पैन इंडिया में हमने काम करना शुरू किया, वो धीरे धीरे बढ़ के 500, 600, 700 बढ़ते ही गए. ओह माय गॉड. तो कोविड का दौर मतलब आपके लिए तो अच्छा रहा? बहुत 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 अच्छा. एंड कोविड ने एक्चुअली सभी को बहुत कुछ सिखाया. और मैं अपनी बात करूं तो मुझे बहुत सारी चीजें आई, घर को कैसे मैनेज करो, एट द सेम टाइम आप मीटिंग्स कौन से टाइम पे रखोगे, बच्चों का कैसे टाइम मैनेज करोगे, बिकॉज माय यंगर सन वाज जस्ट 1 ईयर ओल्ड व्हेन लॉकडाउन हैपेंड. तो बहुत सारी चीजें सिखा दी,
टाइम मैनेज कैसे करना है, घर का काम कैसे करना है, कुकिंग भी करना है, यूटेंसिल्स भी करना है, लॉन्ड्री भी करना है, एंड देन यू हैव टू टेक 2-3 जूम मीटिंग्स, एंड जस्ट इट्स नॉट जस्ट जूम मीटिंग्स बट देन यू हैव टू मेक अ कॉल फॉर टू एवरीबडी. तो लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखा दिया, बट इस इतनी जब मेहनत की, बिजनेस भी बहुत 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 आगे बढ़ा. मैम ये एक एक्स्ट्रा किस किस्म का ये एक यू नो एक सॉफ्टवेयर महिलाओं के अंदर में होता है कि वो इतना कुछ चलता रहता है लेकिन फिर भी अपने मैम मेरी वाइफ टीचर है, मैं अपनी वाइफ को भी देखता हूँ कि उसको स्कूल के बहुत सारे पेंडिंग वर्क जो होते हैं उसको कंप्लीट करना होता है, लेकिन घर में जब वो आती है तो उसके पास जमाने भर की जिम्मेदारियां रहती हैं, और भले मेरे बच्चे बड़े हो गए लेकिन फिर भी यू नो उनकी जिम्मेदारियां भी मेरी वाइफ पे ही रहती है. खाना बनाना है, जो यू नो मेड आ रही है वो भी अगर किसी दिन बोले मैं नहीं आ रही हूँ तो मैम मेरी वाइफ का चेहरा देखने लायक रहता है. लेकिन आई सी दैट व्हेन आई गो बैक होम आई यू नो सी हर वर्किंग 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 एंड वर्किंग टिल 11 इन द नाइट, एंड व्हेन शी कम्स एंड शी टेक्स एक मिनट लगता है मैम उसे सोने में, एक मिनट में सो जाती है. तो मैम ये महिलाओं के अंदर में जो एक्स्ट्रा फीचर है जो ईश्वर ने उनको यू नो डालकर उनको भेजा है, कभी ऐसा लगता भी तो होगा ना कि आई डोंट वांट एनी ऑफ यू टू बी हियर, प्लीज गेट आउट, ये लगता है? यस ऑफ कोर्स इट हैपेंस मेनी टाइम्स, बट यू नो जब आपको ऐसा यू कांट आस्क, यू कांट आस्क, यू शुड आस्क, यू शुड हैव टू गेट आउट. यस मुझे वही बोलना है कि जब आपको लग रहा है यू आर ओवरबर्डन एंड यू फील लाइक यू आर नॉट वैल्यूड और यू आर नॉट गेटिंग मी टाइम, सो रादर देन रिपेंटिंग ऑन इट के भी कुछ सारा काम करना पड़ रहा है, ये क्यों करना पड़ रहा है, यू शुड आस्क योर हस्बैंड और योर मदर इन लॉ और इफ यू हैव अ हाउस हेल्प कि भाई आप ये काम कर दो, आप बच्चा ले जाओ, या मैं आई आस्क माई हस्बैंड कि भाई आज कल तो आज संडे है, लाइक यस्टरडे ओनली माई मेड इज नॉट कमिंग फॉर लास्ट 3-4 डेज एंड आई एम लुकिंग आफ्टर किड्स एंड डूइंग एवरीथिंग, सो व्हेन इट वाज संडे मेरे हस्बैंड को कोई इवेंट में जाना था, कोई प्रोग्राम में, तो मैंने कहा प्लीज टेक द किड्स विथ यू सो दैट आई कैन हैव एटलीस्ट 2-3 आवर्स फॉर माई सेल्फ, आई कैन थिंक, एंड वो 3 घंटे आप रेस्ट नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को रिचार्ज कर रहे हो, अगले रिजुविनेट कर रहे हो एग्जैक्टली फॉर नेक्स्ट, और यू आर डूइंग वॉट एवर, आप फोन भी क्यों ना देख रहे हो, यू आर टाइम पास कर रहे हो आप फोन पे इंस्टाग्राम पे, बट यू आर रिचार्जिंग योर सेल्फ फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज. So, rather than repenting on something, you should ask for help. क्योंकि बहुत सारे लोग आपको help करने के लिए कौन ready नहीं रहेंगे अगर आप अच्छे से बोलेंगे तो. बिल्कुल सही बात है. मैम ये और ये बात जो है ये कोतमा की लड़की बोल रही है या नागपुर की लड़की बोल रही है? दोनों की बोल सकते हैं क्योंकि आई वुड रियली से कि जो मैं छोटी जगह से मैं आई थी, आई वॉज नॉट एक्सपोज टू सच एनवायरमेंट, इतनी बड़ी जगह, फैमिली एंड छोटी जगह की और बड़ी जगह की बात में जमीन आसमान का फर्क है उससे. और है मैम, मतलब रियलिटी में है, रियलिटी में है. वहाँ पे लोग बहुत अलग है, यहाँ पे लोग बहुत अलग है, सोच बहुत अलग है. आप बट इन लास्ट 10 ईयर्स मैंने अपने आप पे जो लोग मुझे 10 साल पहले जिन्होंने देखा होगा, दे वुड से के टूडेज जमीला इज नॉट द सेम एज शी वॉज 10 ईयर्स बैक, क्योंकि मैंने अपने आप के ऊपर काम किया, लोगों से सीखा, सोशलाइज जब किया, एंड इन ऑल दिस 10 ईयर्स माई हस्बैंड हैज बिकम प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें सिखाई, बिकॉज ही हैज बीन हियर फॉर लास्ट 25 ईयर्स, जब हमारी शादी हुई ही वॉज 25, तो उन्होंने पूरा मेरे को हर समय हेल्प किया, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन एंड वेरी प्रोटेक्ट, छोटी जगह के अलावा आई वॉज इन अ वेरी प्रोटेक्टेड एंड एनवायरमेंट जी. तो यहाँ पे आके बहुत सारी चीजें आई वुड से सीखने मिली, बहुत सारी चीजें. क्या क्या चीजें बदली हैं यू नो जमीला द गर्ल में, क्या क्या चीजें बदली हैं जमीला एज अ गर्ल? इफ आई से कि जब मैं 10 साल पहले अगर आप मुझे देखेंगे तो मुझे आई थिंक दुनियादारी कुछ नहीं आती थी, दुनियादारी. और जो मैं आज आपसे बैठ के बात कर रही हूँ, शायद मैं अपने घर वालों से भी इतना कॉन्फिडेंटली ना बात कर सकती. ओह माय गॉड, यस. मे बी माय पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, कजिन्स हो सकते हैं, अंकल आंटी हो सकते हैं, उनके सामने भी शायद मैं इतना कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकती थी, अपने पॉइंट नहीं रख सकती थी. एंड बोथ द थिंग्स, ओरिफ्लेम
एंड माई फैमिली बोथ प्लेड इक्वली इम्पोर्टेंट रोल इन इन्वॉल्विंग मी लाइक दिस. तो इस तरीके से मेरा कॉन्फिडेंस अगर मैं बोलूँ तो जो जमीला एज अ गर्ल में नहीं था आज जमीला में बहुत ज्यादा है. उससे जमीन आसमान का फर्क है. तो मैम मटर्नल साइड में जो आपके कजिन्स हैं या यू नो आपके परिवार के सदस्य हैं वो जब आपको इस रूप में देखते हैं, इस कॉन्फिडेंस में देखते हैं, इस स्वरूप में देखते हैं तो क्या कहते हैं? एवरीबडी इज वेरी प्राउड ऑफ मी एंड मुझे एक बात बहुत ही अच्छे से ध्यान है. दो बात मैं शेयर करूंगी. मेरे कजिन है वो हमेशा मुझे बोलते थे, मुझे कभी बिलीव नहीं होती थी वो बात पे. हमेशा मुझे बोलते थे जमीला जहां भी जाएगी वो जगह को वो चीज को जन्नत बनाएगी. पता नहीं क्यों और रैंडमली आउट ऑफ एनीथिंग वो हमेशा मुझे बोलते थे. एंड व्हेन टुडे व्हेन माय हस्बैंड प्रेज मी के हमारी सबकी लाइफ जो है आज तुम्हारी वजह से ऐसी है, तो मैं बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि तब जिन्होंने जो मेरे ब्रदर ने जो मुझे बोला था वो एक्चुअली आउट ऑफ द ब्लू नहीं था. सब ठीक कुछ उनको इंट्यूशंस होंगे इसीलिए वो बोलते हैं. एंड देन माय हस्बैंड तो मुझे हमेशा ही बोलते हैं तुम तो मेरी किस्मत की चाबी हो. मैम जनरली MLM के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर जो बिलीफ है वो लोगों को बहुत कम होता है. yes. है ना, और वो बिलीफ बनाने के लिए ही बहुत वक्त लग जाता है. है ना, सेलिंग इज नॉट डिफिकल्ट. मुझे ऐसा लगता है कि वो बिलीफ बनाना इज अ डिफिकल्ट जॉब टू डू. आपको क्या लगता है वाकई में ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं? ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स वाकई अच्छे हैं क्योंकि मैं सिर्फ आउट ऑफ द ब्लू नहीं बोल रही हूँ ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं क्योंकि जिस तरीके से ब्यूटी के तरफ मेरा क्रेज है, मेरा पैशन है, मैंने सिर्फ एक प्रोडक्ट ट्राई कर लिया है एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है. मैंने मेरे हस्बैंड के बहुत सारे पैसे खर्चे किए हैं फॉर बाइंग सो मेनी प्रोडक्ट्स एंड मैंने इंडियन ब्रांड से कंपैरिजन कभी भी ओरिफ्लेम का नहीं किया. मेरे को इंडियन ब्रांड शायद कोई बोलता है तो मुझे शायद मालूम भी नहीं होता कि अरे अच्छा इसके ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं क्या. आई हैव ऑलवेज कॉल्ड फ्रॉम US सेफोरा, सो मेनी ब्रांड्स. जी, सो आई नो के ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स जो मैं यूज कर रही हूँ इट इज इक्वली गुड फॉर माई स्किन एज इक्वल एज दीज इंटरनेशनल ब्रांड्स. अभी रिसेंटली ही जो आपने क्वेश्चन पूछ लिया अभी रिसेंटली ही मेरे साथ हुआ. जी, ओरिफ्लेम का एक नया हेयर सीरम आया है लिव इन कंडीशनर एंड अभी तक ओरिफ्लेम में वो नहीं आता था तो आई यूज टू बाय फ्रॉम अनदर ब्रांड कॉल्ड OI और उसका एक बॉटल वो आता था 3,000 rupees का. जी, एंड आई यूज टू कॉल इट फ्रॉम US. तो मैंने अभी तक के दो बार तो वो बाय कर चुकी क्योंकि एक बॉटल मोस्टली 1 year चल रहा था. एंड व्हेन ओरिफ्लेम लॉन्च्ड दिस प्रोडक्ट एंड मैं तो वो 2 साल से कंटिन्यूअसली यूज करी सो आई नो द रिजल्ट्स, आई नो द डिटेल्स ऑफ द इंग्रेडिएंट्स एंड एवरीथिंग. इंग्रेडिएंट्स की बात छोड़िए, एवरीबडी सी द रिजल्ट्स कि भाई आपको बाल में लगाने तो आपको क्या मिल रहा है. एंड व्हेन आई यूज दिस प्रोडक्ट दिस इज जस्ट फॉर 999 rupees. सो जब मेरे पास दो ऐसे ब्रांड्स के कंपैरिजन आ गए, वन इज इंटरनेशनल ब्रांड विच डील्स ओनली इन हेयर केयर प्रोडक्ट्स एंड देन देयर इज अनदर ब्रांड ओरिफ्लेम विच हैज अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड लॉन्च सच इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड उसके दोनों के रिजल्ट सेम एंड उसके बाद प्राइसिंग डिफरेंस, वन इज फॉर 3,000 वन इज फॉर 999. सो ये डायरेक्ट कंपैरिजन एक प्रोडक्ट का मुझे अभी रिसेंटली मिला इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया. वैल्यू फॉर मनी, यस. एंड देन देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक दिस जिसके ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स इक्वली अच्छे हैं. यस, तो इससे मेरा ट्रस्ट ऑफ कोर्स बिल्ड हुआ है ओरिफ्लेम में बहुत ज्यादा. मैम आप एक अच्छा इनकम भी बना लेती हैं और आपके साथ साथ आपकी टीम मेंबर्स को भी एक अच्छा इनकम यू नो बन जाता है इससे. तो जब यू नो लोग आपको देखते हैं, आपके यू नो आपका जो यू नो आपका परिवार या आपको जानने वाले लोग और यू नो आपके सर्किट के लोग, मैम वो आपके इस प्रोफेशन को किस नजर से देखते हैं? यू नो जब मैंने स्टार्ट किया था इट वाज नॉट सो इजी बिकॉज दैट टाइम नेटवर्किंग वाज नॉट, इवन अभी भी बहुत डिफिकल्ट हो सकता है बट क्योंकि आज इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है. जी, सो थोड़ा सा वाइसा वर्सा ही है नेटवर्किंग और इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग हम देखेंगे तो.
तब तो बहुत डिफिकल्टी थी जी, बहुत ज्यादा. इवन देर आर पीपल हु से अरे ये क्या करना है, ये क्यों करना है, देर आर लॉट ऑफ जॉब्स यू कैन डू. तो बट यू नो मेरा बिलीफ ओरिफ्लेम के ऊपर, ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स के ऊपर एंड उसके सक्सेस प्लान के ऊपर, एंड मैंने अभी शेयर किया, जब लोग धीरे धीरे बोलने लगे कि यार आपके जैसा हमें करना है, ये लेवल सर्टेन लेवल हमें भी अचीव करना है, और उनके थ्रू जब लोग आने लगे और बोले कि हमको भी करना है, तो और मेरा इंटरेस्ट भी था, तो आई डिड नॉट बॉदर अबाउट व्हाट पीपल सेइंग. बट यस, फैमिली में अगर कोई है जिनको नहीं समझ में आ रहा है, वो थोड़ा स्ट्रगल होता था. बट यस, इवेंचुअली जब हम एक सर्टेन लेवल हासिल कर लेते हैं या हमारे पास इनकम होती है, एंड व्हेन फैमिली अराउंड यू सी दैट यू आर सेटिस्फाइड, यू आर हैप्पी, तो फिर उनके डाउट्स आई थिंक खत्म हो जाते हैं. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी. आप खुश हैं अपने इस जर्नी में? बिल्कुल मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ. आई एम सेइंग ना कि जो आज मैं जमीला कॉन्फिडेंटली एक लाइव शो पे बात कर रही हूँ, इट कुड ओनली हैपन विथ ओरिफ्लेम. हुज़ैफ़ा साहब इस काम को किस तरह से देखते हैं? स्टार्टिंग में उनका भी यही सोचना था, दैट व्हाई ओरिफ्लेम, यू कैन डू समथिंग एल्स, समथिंग बेटर, बिकॉज यू नो MLM मार्केटिंग जीरो से स्टार्ट होती है. बिल्कुल. यू कैन अर्न जस्ट रुपीज 200 or 300 रुपीज इन फर्स्ट मंथ जी, एंड इवेंचुअली इट ग्रोज. तो माई हस्बैंड इज अ सीए, तो कोई भी प्रोफेशन वाले या कोई भी जॉब में है तो वो लोग शायद इस चीज को डाइजेस्ट ना कर पाए कि सिर्फ 300 रुपए पहले महीने की इनकम है जी, पहली बार की इनकम, मे भी पहले मंथ में नहीं, वो 6 महीने लग जाते हैं वो 300 रुपए कमाने के लिए. बिल्कुल. लेकिन वो 300 रुपए ही की वैल्यू तब नहीं रहती, बट जब वो 30,000 या 3 लाख रुपए हो जाती है. 3 लाख होती है? होती है. ओके. जब वो 3 लाख होती है तब समझ आता है कि स्टार्टिंग तो 300 से ही हुई थी ना. सही बात. 3 लाख तो धीरे धीरे आई, 30,000 तो धीरे धीरे आई जी. तो था हुज़ैफ़ा का भी थोड़ा सा, शी वॉज वेरी स्केप्टिकल, बट देन व्हेन ही सॉ मी हैप्पी सेटिस्फाइड ही सेड लेट हर डू इट. मैम, इन 10 सालों में आपने हुज़ैफ़ा साहब से क्या सीखा? आई एम श्योर उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन आपने उनसे क्या सीखा? ही इज वेरी क्लियर एंड कॉन्फिडेंट इन हिज थॉट्स, वेरी क्लियर. कि मुझे और सबसे अच्छी चीज हुज़ैफ़ा ने जो मुझे सिखाई है वो है प्रायोरिटाइज योरसेल्फ. वो मुझे हमेशा, जो मैंने बोला ना कि यू शुड आस्क कि आपको क्या करना है जी, मेरा बच्चा ले जाओ देखने के लिए आज, या मुझे आज पार्टी करने जाना है, या मुझे आज शॉपिंग करनी है. तो हुज़ैफ़ा का हमेशा यही बोलना था कि डोंट गेट अपसेट और डोंट गेट डीमोटिवेटेड विथ एनीथिंग. तुमको क्या करना है ये सबसे ऊपर होना चाहिए, एंड मेक इट हैपन. आइदर इज इट अ शॉपिंग और पार्टी और गर्ल्स ट्रिप और मे बी अ मूवी, एनीथिंग एल्स, और योर वर्क. आपको क्या चाहिए वो ऊपर लिस्ट में होना चाहिए, एंड मार्केट, और फिर उसके नीचे सब चीजें लिखो. तो जब आप अपनी पसंद की चीजें सबसे पहले करोगे तो ऑटोमेटिकली उसके लिस्ट के बाद में जितनी भी चीजें रहेंगी वो सब सही होंगी. तो हुज़ैफ़ा ने सबसे ज्यादा मुझे, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज मेरी लाइफ में सिखाई है वो ये कि अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ. मैम, तो फिर अगर अपने आप को प्रायोरिटी बनाती है तो मी टाइम में क्या करती है? मी टाइम में मैं करती हूँ मेकअप. अब इतने सारे खर्चा करके प्रोडक्ट्स लिए हैं जी, तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा. एंड यू नो हमारे बिजनेस में हमको नई नई चीजें इनोवेशन करके लोगों को सिखाना पड़ेगा. एज अ टीम लीडर अगर मुझे कुछ नई चीज आएंगी तो ही मैं पास ऑन कर पाऊंगी ना. एंड मेकअप इज समथिंग कि आप हर दिन कुछ नया कर सकते हो, सीख सकते हो. तो आई यूज टू वॉच सो मेनी वीडियोज इंस्टाग्राम पे, एंड देन जब टाइम मिले सब प्रोडक्ट्स निकालो एंड मेकअप कर लो अपने ऊपर, एंड फोटोज खींच लो, एंड नेक्स्ट टाइम जब मीटिंग करना हो एंड तो उनको समझाने के लिए दिखा दो, पहले ही दिखा दो कि भाई ये मेकअप आज आप सीखने वाले हो. तो पीपल गेट क्यूरियोसिटी बढ़ती कि वाह ये सीखने वाले हैं हम. मैम, एक 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 नजरिया है यू नो बहुत सारे पुरुषों का, या यू नो सासू माए हैं उनका, कि वो अपनी बहुओं को अलाउ नहीं करती कि वो बाहर जाके इस किस्म चीज से जुड़े. अ मैसेज टू देम. सी, पहले तो मैं मेरी मदर इन लॉ के बारे में बताऊंगी. शी इज वेरी चिल्ड आउट, शी हरसेल्फ इज अ एडवोकेट, एंड लास्ट 45 इयर्स से वो प्रैक्टिस करते आई है. एंड इन द कोविड टाइम शी लेफ्ट, शी इज ऑलमोस्ट रीचिंग 70 इयर्स नाउ.
तो सबसे पहले तो मेरा तो मैसेज यही रहेगा सारी मदर इन लॉज के लिए, दो आई एम वेरी स्मॉल, मैं कुछ मैसेज देने लायक नहीं हूँ, बट क्योंकि मैंने मेरी मदर इन लॉ को देखा है, शी इज वेरी चिल्ड आउट, उन्होंने कभी मेरे पीछे कभी कुछ भी चिक चिक नहीं किए, नेवर कि ये खाना बनना चाहिए, इतने बजे चाय मिलना चाहिए, बच्चों के लिए खाना ये बनना चाहिए, रात को फ्रेश खाना होना चाहिए, नेवर। 10 साल में मैं एक दिन भी नहीं याद कर सकती हूँ जब उन्होंने मेरे पीछे काम लगाए हूँ। शी वॉज ऑलवेज एनकरेजिंग मी, आई वुड से मेरे हस्बैंड से ज्यादा मेरी मदर इन लॉ वॉज ऑलवेज हैप्पी कि मैं कुछ भी तो कर रही हूँ ना, इम्पोर्टेंट वॉज कुछ करना, क्या फील्ड है क्या है दैट वॉज नॉट इम्पोर्टेंट। तो आई थिंक मदर इन लॉ बहुत ज्यादा हस्बैंड से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक बहू के कुछ करने में, क्योंकि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी कि आपकी बहू कितने पैसे कमा के ला रही है, इट्स नॉट अबाउट, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन सराउंडेड बाय सो मेनी वुमेन्स, मैंने अब 1,000 लोग जोड़े तो कम से कम 5,000 लोगों से तो बात की होंगी, तो आई नो वॉट प्रॉब्लम्स एवरीबडी फेसेस। किसी की सास का बोलना कुछ और, किसी की सास का टाइमिंग का प्रॉब्लम, किसी की सास का कुछ और, तो ये सच है एक महिला को पीछे खींचती है? खींचना चाहती नहीं है, बट क्योंकि वो जनरेशंस में कुछ उन्होंने भी फेस किया होगा तो इट इवेंचुअली कम्स टू देयर बहू, ये जनरेशन घोटाला है। हाँ मे बी, और जनरेशन चेंज, जैसे अभी मेरी मदर इन लॉ को मेरी दादी सास जो थे उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, काम करने दिया, तो माय मदर इन लॉ इज आल्सो लाइक कि जाओ काम करो, मे बी घर पे सिर्फ दाल चावल बनेगा, इट्स ओके, नो फैंसी फूड रिक्वायर्ड, नहीं बनेगा वी कैन ऑर्डर, वी कैन आइट सुबह का बासी, बट ठीक है अगर तुम्हें मीट खाना तो अपन बासी खा सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं ना, ऑर्डर कर सकते हैं, बट जो तुम्हारा अभी मीटिंग है उसको तो अपन आउटसोर्स नहीं कर सकते, यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर, वो काम तो कोई और नहीं कर सकता। एंड यू नो जो काम करने में कंटेंटमेंट एक वुमेन को आता है ना, वो बहुत बड़े पैसे कमाने में नहीं आएगा, वो सिर्फ इन्वॉल्व होने में आता है। तो आई वुड से के सभी सासों को अपनी बहू को काम करने देना चाहिए, और जितना ज्यादा वो बाहर जाएंगी, लोगों से मिलेंगी, सोशलाइज करेंगी, शी विल बी वेरी हैप्पी, एंड अगर वो खुश है तो ऑटोमेटिकली घर में सबको खुश रखेंगी और सब कुछ सिस्टमैटिक घर में भी चलेगा। मैम आपके दो बच्चे हैं आपके, दोनों बच्चों का नाम क्या है? बड़े वाले का है बुरहानुद्दीन एंड छोटे वाले का है आदम। ओके, तो आदम और बुरहानुद्दीन यू नो आगे जाके शादी करेंगे, आप भी सासू माँ बनेंगी, तो आप अपनी बहू को अलाउ करेंगी सब कुछ? इट्स टू अर्ली टू से, मुझे नहीं मालूम जब मेरी 50 साल होगी, 50 साल की होंगी या 60 साल, तो मैम आप बहुत सीनियर मोस्ट हो जाएंगी ओरिफ्लेम में। आई नो यस यस होपफुली, लेकिन मैं तो कोशिश यही करूंगी कि उनको जिससे खुशी मिले वो करें जी, मैं हमेशा यही चाहूंगी। मैम अब आगे क्या है और क्या क्या कर रहे हैं, बकेट लिस्ट में क्या क्या है जमीला मैम के? बकेट लिस्ट में है बहुत सारे, ट्रैवल करना है, आइसलैंड मेरा एक बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर है अभी, लेट्स सी हम कब जाते हैं, एंड देन बकेट लिस्ट में कुछ ज्वेलरी है जो लेनी है, एंड बकेट लिस्ट नहीं बोलेंगे इसको बट मेरे हमारी कम्युनिटी में हम लोग कुरान हिफ्ज कराते हैं, कुरान मेमोराइज कराते हैं बच्चों को, तो दैट्स अनदर बकेट लिस्ट नहीं बोलेंगे बट प्रायोरिटी इच्छा है आपकी? यस यस, दोनों बच्चे सीख लें। यस यस यस, और मैं चाहूंगी कि आज 1,000 लोग है मेरे साथ, 5,000-10,000 लोग मेरे साथ जुड़े और मैं उनकी लाइफ में थोड़ा थोड़ा कुछ चेंजेस ला पाऊं, क्योंकि आज भी बहुत सारे वुमेन्स हैं जो कुछ करना चाहती हैं एंड दे डोंट गेट समथिंग, ये अपॉर्चुनिटी मैं सबके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर पाऊं। और मुझे ऐसा लगता है कि ओरिफ्लेम जैसे यू नो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो जॉबलेस है, मुझे ऐसा लगता है जो जॉब कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। एवरीबॉडी कैन डू इट, एवरीबॉडी कैन डू इट। इफ आई सी इन माय नेटवर्क देयर आर टीचर्स, देयर आर डॉक्टर्स, एंड इट इज समथिंग लाइक एक डॉक्टर मेरे साथ है, शी वॉन्टेड टू बाय फॉर हर सेल्फ, तो आई सेड यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन बाय फॉर हर योर सेल्फ एंड यू कैन गेट दिस डिस्काउंट एंड गिफ्ट्स, तो शी अग्रीड कि हाँ मैं ज्वाइन करती हूँ। तो प्रोडक्ट्स कैसे सेल होते हैं, एक वुमेन से वुमेन को सेलिंग बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ स्टोर की एक बेडशीट भी बिछी हुई है एंड somebody is coming to my house एंड उनको ये पसंद आई कि आपने फोर सीजन से खरीदा,
हाँ आपने ये कहाँ से खरीदा, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि मैंने फोर सीजन से लिया है, राइट जी। तो इसीलिए एक विमेन को कोई भी चीज रिकमेंड करना जो खुद वो यूज करे, इट इज वेरी इजी जी, इट इज वेरी इजी, इट इज लाइक शेयरिंग अ रेसिपी और मे बी शेयरिंग एन एड्रेस फॉर द ड्रेस, तो बहुत इजी। मैंने शायद आज लिपस्टिक लगाया हुआ है, मे बी डॉक्टर राधा जो अभी गई उनको, उन्होंने मुझसे पूछ लिया होता कि ये बहुत अच्छा लग रहा है आपका लिप्स का शेड कौन सा है, तो आई वुड इजिली रिकमेंड कि ओरिफ्लेम का ये शेड मैंने यूज किया है और प्रोडक्ट बिक गया, ऑन प्रोडक्ट बिक गया, तो इट इज नॉट दैट बहुत बढ़िया एंड इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर अदर प्रोफेशनल्स टू ज्वाइन ओरिफ्लेम, एंड बाय द एंड इफ द प्रोडक्ट इज गुड व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। एंड यू नो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि सामने वाला पर्सन आपका देख के बाय कर रहा है जी, एंड बिकॉज ही और शी इज 100% सेटिस्फाइड विद दैट प्रोडक्ट बिकॉज ही और शी ट्राइड, तो वो आपसे ले रहे हैं ना जी, वो तो ही आपसे ले रहे हैं क्योंकि वो सेटिस्फाइड है, उन्होंने ट्राई किया है जी। तो इट इज रियली इजी अभी, अब तो बहुत इजी हो गया है क्योंकि आजकल कॉम्पिटिशन बहुत है जी, अब बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारा कॉम्पिटिशन है, एंड इफ आई से स्किन केयर आपको कहीं पर भी कोई ट्राई करके नहीं सेल करेगा कोई भी ब्रांड्स, एंड इफ आई से अबाउट ओरिफ्लेम हम जब तक ट्राई नहीं कराएंगे जब तक सेल रिकमेंड नहीं करेंगे। मैम मुझे सच्ची सच्ची एक बात बताइए, आप ओरिफ्लेम के बारे में कितने घंटे बात कर सकती है? बहुत घंटे क्योंकि मैम आपके जीवन में मुझे लग रहा है कि इस वक्त ओरिफ्लेम, हुज़ैफ़ा सर, आपकी यू नो आपके दोनों बच्चे, यही आपका सब कुछ है, और आपकी मेड, ये यही है सब कुछ आपके लिए, और जो महिलाएं आपसे जुड़ी हैं वो एग्जैक्टली मेरे हस्बैंड की एक बहुत फनी बताती हूँ कि रिसेंटली अभी जब ओरिफ्लेम के तर के लिए बहुत बाहर आना जाना पड़ता है या थोड़ा सा कम टाइम मिलता है घर के लिए और रात को थक जाते हैं तो शायद हस्बैंड से बात भी नहीं हो पाती, सो जाते हैं वो कभी लेट आ रहे हैं, तो वन डे मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि यार बहुत बिजी हो जा रही हूँ, बहुत ऑक्यूपाइड हूँ और वी आर नॉट गेटिंग टाइम, तो बोले कोई बात नहीं तुम्हारा पहला प्यार है ओरिफ्लेम। मैंने इस कंडीशन में ही शादी की है। मैम अगर जिंदगी की सुन, ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे, जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई और उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, जमीला हुज़ैफ़ा लक्कड़शाह, उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा कोट, कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? लव योर सेल्फ, मैं हमेशा यही बोलती हूँ क्योंकि यू नो वुमेन्स जब बहुत सारी रहती है ना, बहुत सारे लोगों से जब मैंने मिला मिली बात की ना जी, मुझे एक्चुअली समझ में आया कि वो अपने लिए कभी सोचती ही नहीं है जी, कभी भी नहीं, नेवर, उनके लिए बाकी सब चीजें पहले आती हैं जी, तो मैं तो सबको बिजनेस सेकेंडरी करके पहले मैं ये समझाती हूँ आपको क्या करना है पहले वो सोचो ना जी, आपने लिए दो प्रोडक्ट्स, वो दो प्रोडक्ट्स अपने लिए लेने के लिए वो सोचते हैं कि भैया मैं दो प्रोडक्ट्स भी अपने लिए क्यों लूं, इज इट इम्पोर्टेंट, तो मैं यही बोलूंगी कि जब आप अपने आप से प्यार करोगे तो आप सबसे बहुत ज्यादा प्यार करोगे, तो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। मैम आपने वाकई में मैम अपनी जिंदगी को जिस तरह से तराशा है और उसमें आपकी मदर इन लॉ की जो भूमिका रही है, आपके हस्बैंड की जो भूमिका रही है, उस सभी महिलाएं जो आपके जीवन में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एक नाम लुलुआ का भी है उसमें जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा यू नो रोल प्ले करती हैं, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सब लोगों ने मिलके जो आपको जो स्ट्रेंथ दी है, आज आप उस स्ट्रेंथ को लेकर मैम बाहर जाती हैं, काम करती हैं, उस काम में आप आगे बढ़नी है, ये इस बात का प्रतीक है कि कोई किसी भी जगह से आए, छोटे शहर से आए या बड़े शहर से आए, अगर उसके सपनों में ताकत है, उसके उसकी नीयत साफ है और उसे उस ऊपर वाले पे विश्वास है जो इन सभी चीज़ों को पसंद करता है, तो मुझे ऐसा लगता है मैम जीवन में कोई भी एग्जाम डिफिकल्ट नहीं, कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं जिसको आप पार नहीं कर सकते। वेरी वेरी ट्रू मैम, आप यू नो एक
जैम की बॉटल मुझे ध्यान में आ गई है, आपके आपका नाम जमीला है लेकिन मुझे एक जैम की बॉटल ध्यान में आ गई है। मैं जब छोटा था तो मेरी माँ मुझे ये चीज़ बताती थी कई बार कि बेटा ये जैम बनाने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है ना, और आप मुझे ऐसा लगता है कि अपने परिवार के लिए आप वही वो जैम है जिसे जिसे अपने आप को बनाने में जो वक्त लगा है वो अपने आप में तारीफ़ के काबिल है। और उम्मीद है कि मैम आप आने वाले वक्त में और भी महिलाओं को ऐसे ही प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें। और आई थिंक हुजैफा सर इज ऑल्सो वन ग्रेट एग्जाम्पल दैट ही यू नो आई थिंक दिस मैसेज इज गोइंग टू अ लॉट ऑफ हस्बैंड्स ऑल्सो गोइंग यू नो फॉर हस्बैंड्स ऑल्सो आउट देयर कि अपनी पत्नी के सपनों पर विश्वास रख के उसका अगर साथ दो तो वाकई में वो यू नो आसमान पे पहुंचते हैं। आपने अपना बिल्कुल, वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और सर, मैम मैं ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है? थैंक यू। ये सुन के आपको ज्यादा खुशी मिली अब होगी। ये लाइव चल रहा है तो आप एक लाइन जरूर बोलेंगे कि आपको ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट कैसे लगते हैं। मैम बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो जेन्युइनली अच्छी क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट से बने, ना ही सिर्फ इसीलिए कि उसका ब्रांड एम्बेसडर कोई क्रिकेटर या फिल्म स्टार है। थैंक यू फॉर सेइंग दिस। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहती थी बट आपने ये बोल दिया कि ऐसे प्रोडक्ट्स पे बिलीव करें जिसके ऊपर आपका आपकी फ्रेंड या आपकी सिस्टर या आपकी कोई कलीग बिलीव कर रही है, ना बिल्कुल, कि वो प्रोडक्ट्स के ऊपर बिलीव करें जो एक सेलिब्रिटी फेस को फेस से क्योंकि वो है। कभी वो इस्तेमाल नहीं दे करते नेवर हैं। गोइंग टू एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली तो वो कभी एग्जैक्टली इस्तेमाल नहीं करते, वो सिर्फ खुद पैसा कमाते हैं इसलिए फिर एंडोर्स करते हैं। यस मैम यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू फॉर यू, कमिंग ऑन माय शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सुपर, एक विमेन ऑफ द ईयर नहीं लेकिन एक सुपर विमेन ऑफ द ईयर से आज मुलाकात हुई है। मुझे जब जमीला मैम आकर बैठी मेरे सामने बात करने के लिए तो मुझे बिल्कुल इस बात का इल्म नहीं था, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो उनसे अभी तक मिले होंगे, जैसे उन्होंने बताया 1,000 महिलाओं को उन्होंने जोड़ा है और 5,000 महिलाएं उससे तो आज तक वो मिली होंगी मिनिमम, लेकिन वो महिलाओं ने शायद कभी सोचा नहीं होगा कि जमीला मैम की जो जर्नी है वो इतनी इंटरेस्टिंग है या इतनी इंस्पायरिंग है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा जो रोल है ना, मुझे ऐसा लगता है वो उस महिला का है जिसका उल्लेख एक बार हुआ है, और वो है जमीला मैम की सासू माँ की सास, हाँ एग्जैक्टली, दादी है माँ, ना, जो दादी माँ है। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर वो जमीला मैम की सासू माँ को मोटिवेट नहीं करती, इंस्पायर नहीं करती और बाहर जाकर काम करने का मौका नहीं देती तो शायद वो लेगेसी कंटिन्यू होती, या हो सकता नहीं भी होती, लेकिन चांसेस तो ज्यादा यही थे कि वो कंटिन्यू होती। मेरी मदर इन लॉ हमेशा बोलती हैं, सॉरी टू जी इंटरप्ट, नहीं नहीं कि मैम। जब मैं कोर्ट से घर आती थी मेरी सास मुझे थाली बना के रखते थे खाने की, जी तो बस यही यही बता रहा है। जी तो मेरी सास ने भी कभी मुझे बोले नहीं कि तुम ये करो वो करो या ये मत करो, ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ। बहुत ही ज्यादा फ्रीडम मुझे मिली है एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ से, और इसीलिए आई थिंक मैं मेरे जो सपने हैं उसके, मेरे जो ड्रीम्स है या मुझे जो कुछ करना है उसके बारे में एटलीस्ट मैं सोच तो पा रही हूँ खुले मन से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली, थैंक यू मैम अगेन फिर से। थैंक यू। लेकिन एक अच्छी चीज पता है क्या, कि यहां पर मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं लेकिन एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाकर एक दिन की खुशी महिलाओं को दे देते हैं। मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूँ, पारेक ज्वेलर्स, पारेक ब्रदर ज्वेलर्स पिछले 2 साल से ऐसे शो को सपोर्ट कर रहा है जहाँ पर हम महिलाओं के सपनों को, उनके विचारों को, उनकी बातों को, उनके दिल को, उनके दर्द को, उनके हर उस इमोशन को दूसरी महिलाओं तक, दूसरे लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक महिला का कल मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि उन्होंने वुमेन ऑफ द ईयर के शो में इंटरव्यू दिया था, और जब उन्होंने इंटरव्यू दिया था तब उनके जीवन के वो सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी, और उन्होंने कहा कि मैंने अपना दर्द उस शो पर व्यक्त किया और कुछ ऐसे लोग मुझे मिल गए जिन्होंने मुझे मदद की और आज मैं उस पूरे दर्द से बाहर हूँ। आपकी बात पता नहीं कौन कहाँ देख ले, कौन कहाँ समझ ले, किस महिला की कहानी कौन सी महिला देख ले और इंस्पायर हो जाए, कौन सी महिला की कहानी कौन सी लड़की देखकर जीवन में उसे अपना रोल मॉडल बना ले, नहीं पता। ये सोशल मीडिया की दुनिया है,
और कोशिश जो है ना वो यही है कि कहानियां ही कहानियां बनाती हैं, किसी की कहानी किसी को इंस्पायर कर जाती है, किसी की कहानी से कोई अपने आप को जोड़ लेता है। कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो आज भी चार दीवारियों में कैद हैं। मैं वो घर की चार दीवारी नहीं, मैं मन की चार दीवारों के बारे में बात कर रहा हूँ। वो आज भी कैद हैं। अगर उन्हें उस दायरे से बाहर निकलना है, उन्हें उस जकड़न से बाहर निकलना है और वो कुछ करना चाहती हैं, तो उन तक ये कहानियां पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हम जो एज अ टीम, हम लोग, मैं अपनी टीम का थोड़ा इंट्रोडक्शन देना मेरा रह गया। जी टीम ग्लो एंड ग्रो हमारी टीम का नाम है। जी एंड 8 मार्च को ही, 4 साल पहले ही हमने ये टीम फॉर्म की थी ग्लो एंड ग्रो के नाम से। एंड वी डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज। ऐसा ही नहीं कि आप सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं तो ही हमारे ग्रुप में आप आ सकते हो। यू आर इनटू ओरिफ्लेम, यू आर इवन बाइंग 3-4 प्रोडक्ट्स। जी साल में आप 2 बार ही प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, बट यू आर वैल्यूड एंड यू आर पार्ट ऑफ आर टीम। हम लोग बहुत सारे फन एक्टिविटीज करते रहते हैं ग्रुप में भी, ऑफलाइन ऑनलाइन। टुडे इटसेल्फ आज हम लोग ने वुमेन्स डे का छोटा सा सेलिब्रेशन किया था। सो हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी जुड़े हैं जिनको शायद बिजनेस करने का एस्पायरेशंस ना हो, बट यस दे वांट टू सोशलाइज, दे वांट टू कनेक्ट विद अदर वुमेन। उनको थोड़ा वही माहौल से बाहर निकलना है। जी तो दैट वे ऑल्सो वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सुपर मैम, ऐसे अच्छा काम करते रहे आप, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे होगी फिर मुलाकात इंद्राज की बात। तब तक ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स खरीदिएगा। आज पूरी बात ओरिफ्लेम पे हुई है और जिंदा रहिएगा। जय हिंद। एंड एवरी डे इज वुमेन्स डे। Every day is Women's Day.